नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। विद्यार्थी मित्रों, आज दिनांक हुई है 25 नवंबर 2020। विद्यार्थी मित्रों, इसके अगले वाले वीडियो के अंदर हमने द्वितीय सत्र की शुरुआत की और इकाई 9 कैसा शोर, यह इकाई हमने चला दी है। अब हम इसके शब्दार्थ और मुहावरे की बात करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर हम इस इकाई की बात करें तो बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई और जब बिरजू चाचा पेड़ की छांव में सो गए तो सभी सब्जियां बाहर आई और एक दूसरे के साथ नोक झोंक करने लगी। ठीक है, तो इतने में फिर बिरजू चाचा जाग गए और बिरजू चाचा को देखकर सभी सब्जियां अपने अपने स्थान पर चली गई। तो अब हम इसके शब्दार्थ की बात करेंगे। पहला है अनूठा। अनूठा यानी उत्तम, उसको हम अद्वितीय भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं। आगे है ज्वर। ज्वर यानी बुखार, उसको गुजराती में ताव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताव। फिर काफी। काफी यानी पर्याप्त, जितना जरूरत हो उतना। दोपहर यानी कि मध्याह्न, उसको हम गुजराती में क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? बपोर। आगे फीकी। फीकी यानी स्वादहीन। विद्यार्थी मित्रों, आपको भी अगर स्वादहीन कोई भी रसोई दी जाए तो आप उसे नहीं खाएंगे, क्योंकि हर किसी को जो स्वाद रहित होती है बस वो ही पसंद आती है, इसलिए फीकी कोई पसंद नहीं करता। आगे चलते हैं सरताज। सरताज यानी जो सबके अंदर सर्वश्रेष्ठ है वो, यानी कि सर्वश्रेष्ठ। सम्मान। सम्मान यानी मान। आगे चाट। चाट आपने खाया होगा ठेले पर, चटपटा व्यंजन। आखिर। आखिर यानी अंत। मज़ेदार। मज़ेदार यानी स्वादिष्ट। मज़ेदार यानी स्वादिष्ट। आगे चलते हैं लिज्जत। लिज्जत यानी स्वाद। पुलाव, सब्जी और चावल से बना व्यंजन, उसे हम क्या कहेंगे? पुलाव कहेंगे। फिर हलवा, एक प्रकार की मिठाई। अभी यह ठंडी की जो मौसम आई है उसमें आप हलवा खाएंगे, ठीक है। हलवा गाजर से भी बनता है और लौकी से भी हलवा बनता है। मन भावन यानी कि मन पसंद। चलिए तो आगे हम चलते हैं, अब मुहावरे की ओर जाएंगे। विद्यार्थी मित्रों, यह पाठ्य पुस्तक के अंदर जो मुहावरा दिया गया है उसमें वाक्य नहीं है, वाक्य हम खुद बनाएंगे। पहला है नोक झोंक करना यानी कि उग्र चर्चा करना, तो उसका वाक्य हम क्या बनाएंगे कि सारी सब्जियां एक दूसरे के साथ नोक झोंक करने लगी, यानी कि उग्र चर्चा करने लगी। इसके अलावा आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं पर इस मुहावरे के अंदर ही होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। मुंह में पानी आना, खाने की इच्छा होना। विद्यार्थी मित्रों, जब आपके सामने कोई एकदम मीठी चीज़ या चटपटी चीज़ आपकी आंखों के सामने जब आ जाती है तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। बस यह वही बात है कि मुंह में पानी आना यानी कि खाने की इच्छा होना। बात काटना, तीसरा मुहावरा है बात काटना, तो उसका जवाब है बीच में बोल उठना। तो बैंगन ने आलू की बात काटी, यह वाक्य इस पाठ्य पुस्तक के अंदर है। और यह भी है कि गाजर ने लौकी की बात काटी, यह भी वाक्य इस पाठ्य पुस्तक के अंदर है। तो ऐसे कोई भी वाक्य हम बना सकते हैं कि मम्मी ने पापा की बात काटी, विद्यार्थी ने शिक्षक की बात
काटी। ऐसे कई वाक्य है जो हम बना सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो के अंदर हम यह जो इकाई दी गई है उसके शब्दार्थ और मुहावरे पर, आपको मुहावरे के वाक्य लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखे हैं बट मैंने आपको अभी समझाया, उसी तरह आपको अपने आप यह वाक्य लिखने हैं। तो चलिए आगे के वीडियो के अंदर हम इसके स्वाध्याय को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।